अक्टूबर 2006 की एक ठिठुरती सुबह 6:30 बजे दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहार जेल की ऊंची दीवारों के बाहर कोई अपना खौफनाक विजिटिंग कार्ड छोड़ गया। एक सरकटी लाश जिसे देखने वालों की रूह कांप उठी। 6 महीने बाद वही खौफनाक तस्वीर फिर देखने को मिली, ठीक उसी जगह एक और सरकटी लाश। ये लाशें किसी हादसे या अनोनिमस क्राइम का नतीजा नहीं है। कोई जानबूझकर पुलिस को अपनी वारदातों के सबूत पहुंचा रहा था, मानो किसी खूंखार दरिंदे का पैगाम हो, और ये तो बस शुरुआत थी। चंद्रकांत झा नाम सुनने में तो आम लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा हुआ है जिसे दिल्ली का कसाई यानी बुचर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इसकी दरिंदगी सिर्फ खून करने पर भी खत्म नहीं होती, ये तो लाश के सामने ही बैठ कर खाना खाता है। जी सही सुना आपने, भोले भाले लोगों का मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडी के बगल में बैठ के खाना खाता था और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर पैक करता था। अब इसके बाद लाश को ठिकाना तो लगाना ही था। मूवीज और न्यूज में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि खूनी डेड बॉडी को छिपाने के लिए क्या क्या कर डालते हैं, लेकिन इसका तो स्टाइल ही अलग था। ये डेड बॉडी को सीधा तिहाड़ जेल के बाहर रख के आता था। क्या लगता था कि किसी का दिमाग खराब ही होगा जो ये काम कर रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका दिमाग खराब नहीं बल्कि ये बहुत ही शातिर आदमी था। पुलिस को सीधा सीधा ही चैलेंज ही कर डाला इसने कि पकड़ के दिखाओ। आखिर क्या दुश्मनी थी इसकी पुलिस से जो इसने ऐसे ओपन चैलेंज दिया था, आज उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये कहानी सुनकर आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो थाम के बैठिए। इस क्राइम थ्रिलर वाली कहानी को शुरू से शुरुआत करता हूँ। 1967 में बिहार के मधेपुर डिस्ट्रिक्ट के घुसाई में पैदा हुआ, जो काम करने की तलाश में दिल्ली आया। यहाँ आके उसने आजादपुर मंडी में सब्जी बेची, सामान वाला रिक्शा चलाया, फिर वो दिल्ली के वीकली बाजारों में काम करने लगा। यहीं उसकी शादी भी कर डाली, लेकिन शादी नहीं सक्सेसफुल रही और 1 साल के अंदर अंदर ही वाइफ छोड़ के चली गई। कुछ टाइम बाद उसने फिर से शादी की और दूसरी वाइफ के साथ उसकी 5 बेटियां थी। तो आखिर कैसे बिहार से आया हुआ ये इंसान काम की तलाश में एक सीरियल किलर बन गया? गुस्सा तो इसमें बचपन से ही था। आज तक के एक आर्टिकल में लिखा है कि उसकी माँ उसके साथ बचपन में ज्यादती करती थी, तो इस वजह से उसके दिमाग में हिंसा चढ़ गई। पहला मर्डर जो किया वो किया 1998 में, इसके लिए वो अरेस्ट भी हुआ और 2002 तक जेल में भी रहा, लेकिन पुलिस को उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो छूट गया। शायद यही गलती हो गई सिस्टम से, अगर पुलिस थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करती तो शायद तभी उसके अगेंस्ट एविडेंस मिल जाता और कितने ही लोग उसकी दरिंदगी का शिकार होने से बच जाते। तो जेल से निकलने के बाद वो फ्री बर्ड हो गया, उसके हौसले बुलंद हो गए। अब उसने एक के बाद एक कई मर्डर कर डाले। 1998 में पंडित, 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, पर केस चला सिर्फ 3 मर्डर्स के लिए। 2006 में अनिल मंडल, 2007 में उपेंद्र और दलीप। पर ये सब लोग आखिर उसके झांसे में फंस कैसे गए? कैसे किया उसने इनका मर्डर? ये मर्डर किए उसने दोस्ती की आड़ में। जाम का टारगेट था उसी की स्टेट के सीधे साधे लोग जो काम के लिए दिल्ली आते थे। उसकी फैमिली तो थी, लेकिन फिर भी एक अलग कमरा रेंट करके रहता था ताकि किसी को भी अपने कमरे में ले आए। जो इंसान नया आता था एक अनजान शहर में, उसे अगर मुफ्त में रहने को घर मिल सकता है तो वो आखिर क्यों मना करेगा? तो झा उसे अपने साथ रखता था, खाना पीना सब एक साथ। जब तक वो इंसान इसकी हर बात मानता था तब तक ठीक, पर जैसे ही उसने किसी बात पर मना कर दिया तो उसकी मौत तय है। समझ रहे हो, कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी गलती पे भी वो मर्डर करने को तैयार हो जाता था। जैसे एक बंदे को उसने इसीलिए मारा क्योंकि झा ने उस बंदे को बोला था कि उसकी बेटी को बाहर घुमाने ना ले जाए, लेकिन वो लेके चला गया। बस इतना ही काफी था उसको मर्डर करने के लिए। मर्डर करके लाश के टुकड़े करता था, लेकिन जो हेड था उसे अलग से पैक करके यमुना में डाल देता था। तो अब सवाल ये जागता है कि जहां पर बॉडी डाली वहीं पर उसका सर क्यों नहीं रखा, अलग से यमुना में क्यों फेंका? इसका जवाब मिलेगा आगे वाले सेक्शंस में। पुलिस ने कुछ के सर यमुना नदी से निकाले भी हैं। और एक और फैक्टर जो इन सभी मर्डर्स में कॉमन था वो था कैमरा। जहां जब भी खून करता था ये कहो कि ये खूनी खेल खेलता था, विक्टम्स की फोटो खींचता था, कभी जमीन पे लिटा के, किसी को रस्सी से बांध के या फिर किसी की मरने के बाद।
20 अक्टूबर 2006 को सुबह 6:30 या 7:45 के करीब पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। जनरली तो लोग पुलिस स्टेशन तभी कॉल करते हैं या तो उन्हें कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है या फिर कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करना होता है या किसी और तरह की हेल्प के लिए। बट ये कॉल सबसे अलग था। फोन करने वाले ने कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक डेड बॉडी रखी है, जाके उठा लो। पूरे पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। ड्यूटी ऑफिसर ने गेट के पास पोस्टेड हेड कांस्टेबल को फोन किया और उसे जाके गेट पे चेक करने को कहा। जब उसने चेक किया तो वहां एक टोकरी रखी थी और उस टोकरी में थी एक सर कटी लाश। इस लाश के साथ उस टोकरी में एक लेटर भी रखा था जिसमें पुलिस के लिए बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी और लिखा था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ लेकिन इस बार मैं सच में मर्डर किए हूँ। और ये भी लिखा था कि तुम लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ, तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी सीसी। इस लेटर में ये भी लिखा था कि दिसंबर 2003 में उसने एक और मर्डर किया था जिसके लिए पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। सुनने में लग रही है ना एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी, लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं हो रही। अच्छा, जब पुलिस ने पता लगाया कि क्या सच में दिसंबर 2003 में एक डेड बॉडी मिली थी, तो उनको पता चला कि सच में तिहार जेल के गेट नंबर 1 के सामने एक बॉडी थी लेकिन उसका सर मिसिंग था, तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई और उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई। तो दिल्ली पुलिस के सुंदर सिंह यादव, जिनके अंडर उस समय ये केस था, उन्होंने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में कहा कि उस डेड बॉडी को स्पेसिफिकली तिहाड़ जेल के आगे रखने का भी झा का एक मकसद था। तो झा ने बताया कि जब झा जेल में बंद था तो एक कांस्टेबल था बलबीर, जिसने उसे बहुत ज्यादा तंग किया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए झा हमेशा उस समय ही डेड बॉडी की टोकरी को गेट पे छोड़ता जब बलबीर ड्यूटी पे हो। अब पुलिस को यह महसूस होने लग गया था कि अब तक जितनी भी हेडलेस बॉडीज मिली है उसमें इसी का हाथ हो। अक्टूबर 2006 के मर्डर के करीब 6 महीने बाद 25 अप्रैल 2007 को एक और डेड बॉडी मिली, वो भी गेट नंबर 3 के आगे एग्जैक्टली उसी जगह रखी थी जहां पहले वाली डेड बॉडी थी। पहली बॉडी जैसे एक टोकरी में बंद थी, ठीक उसी तरह ये बॉडी भी टोकरी में बंद थी और इतनी मजबूती से बंद थी कि खोली भी नहीं जा रही थी। तो एक लड़का आया और बोला, मैं खोलता हूँ। उसने आके वो टोकरी खोली। आपके या मेरे जैसा कोई ऐसा व्यक्ति किसी डेड बॉडी को हाथ लगाना चाहेगा? नहीं ना, लेकिन उसने खुद से ऑफर किया। मजे की बात तो ये है कि बाद में पता चला कि वो लड़का खुद चंद्रकांत झा था। हाँ, तो इस बार ये जो दूसरी डेड बॉडी थी उसके सर के साथ साथ पैर और प्राइवेट पार्ट्स भी गायब थे। और फिर एक फोन कॉल आया कि किसी ने कहा कि बॉडी के पार्ट जो मिसिंग है वो 30,000 कोर्ट के आगे पड़े हैं, जो पुलिस को भी मिले। 6 महीने से पुलिस पहले ही परेशान थी, ऐसे में इस दूसरी बॉडी ने पुलिस का दिमाग खराब ही कर दिया। पुलिस एक बार फिर से मर्डरर को ढूंढने में लग गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस बार कुछ ढूंढ पाती, अगले ही महीने 18 मई 2007 को बिल्कुल सेम तरीके से सेम स्पॉट पर एक और डेड बॉडी पहुंच गई। इस डेड बॉडी के साथ भी एक लेटर था जिसमें पहली और दूसरी दोनों बॉडीज के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि फर्स्ट डेड बॉडी के हाथ पे उसका नाम लिखा था अमित, जो पुलिस ने नोटिस किया। उसमें यह भी लिखा था कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा खूंखार और खतरनाक का उपाधि देकर इनाम रखने की कोशिश करो ताकि इस खेल में कुछ और मजा आए। वो चाहता था कि उसका क्राइम पूरी मीडिया में रिपोर्ट हो। उसने ये भी लिखा कि अगर मैं साल में कम से कम 7-8 मर्डर ना करूं तो मेरा दिमाग पागल होने लगता है। उसने इस लेटर में फिर से उस पर गलत आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। अब तक पुलिस ये मान चुकी थी कि ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, ये कोई शातिर सीरियल किलर है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल के बाहर इस तरह से एक बार नहीं बल्कि 3 बार डेड बॉडी को छोड़ के जाना किसी नौसिखिया का काम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी इसलिए थी क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, और दूसरा, जब बॉडी का फेस ही नहीं है तो विक्टिम के आइडेंटिटी और मर्डर का मोटिव पता लगाना बहुत मुश्किल था। अब तक ये खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी थी, लेकिन पुलिस की लगातार कोशिश के बाद कुछ क्लू मिलने शुरू हुए। पुलिस ने पता लगाया कि 1998 में भी एक ऐसा ही मर्डर हुआ था। अब पुलिस उस इन्फॉर्मेंट का पता लगाने में जुट गई जिसने इस केस के मर्डर के बारे में खबर दी थी। ये इसीलिए कर रही थी पुलिस क्योंकि जैसे आजकल डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, मोबाइल सिग्नल ट्रैक हो जाते हैं, लोकेशन ट्रैक हो जाती है, लेकिन जब ये नहीं था तो ये इन्फॉर्मेंट ही पुलिस के लिए क्लूज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। इन्फॉर्मेंट से ही खबर मिली कि ये बंदा आजादपुर मंडी के एक डॉक्टर के पास
बहुत बार जाता था। क्लूज फॉलो करते पुलिस भी उस डॉक्टर के पास पहुंच गई। अब पुलिस के हार्ड वर्क का ही रिवॉर्ड समझो कि जैसे ही पुलिस के पास पहुंची उसी समय जा का कॉल डॉक्टर की लैंडलाइन पे आया। हालांकि डॉक्टर ने खुद कुछ खा नहीं, पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने उसकी बात को मान लिया। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसका नाम चंद्रकांत झा है और उसकी 5 पेटियां जिनकी डिलीवरी उसने ही की थी। उसने ये भी कहा था कि झा ने उसके ब्रदर इन लॉ को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल किया था और झा उसे शाम के 4 बजे मिलने वाला था, पर क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक में नहीं था तो वो उससे नहीं मिल पाया। अब पुलिस ने वापस फोन करवाया झा को तो उसने अगले दिन यानी 19 मई को 4 बजे आने को कहा। इसके बाद शुरू हुई झा को पकड़ने की प्लानिंग। डॉक्टर की दुकान के आसपास बहुत से पुलिस वाले सिविलियन की तरह कपड़े पहन के फैल गए। कोई मजदूर बन गया तो कोई फल वाला। इतनी गर्मी में भी वो पुलिस वाले घंटों घंटों तक खड़े रहे, लेकिन 4 बजे चंद्रकांत झा वहां पर नहीं आया। अब कुछ और रास्ता ढूंढना था पुलिस को, तो उसने फोकस किया फोन ट्रैकिंग पे। तब उस समय आजकल की तरह टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक हो जाए, बल्कि पुलिस को सिर्फ एरिया का पता चलता था, तो ऐसे तो झा को ढूंढना पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी एक फोन की लोकेशन एक स्मॉल एरिया की आई थी और वो था अलीपुर। अच्छा, ये जो जगह है आजादपुर मंडी या फिर अलीपुर, ये अगर आपको नहीं पता ये एक्चुअली वेस्ट दिल्ली का पार्ट है। तो 20 मई को पुलिस पहुंची अलीपुर में और सीक्रेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया। फिर अचानक से ही सुंदर सिंह जी के दिमाग में वो ब्रदर इन लॉ आया। उसे पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठा रखा था। उसने बताया कि झा के पास एक सामान ढोने वाला रिक्शा है। वो देखा होगा आपने, जैसे कि कबाड़ी वाले छोटा मोटा सामान आसपास भेजने के लिए यूज करते हैं, पर झा के पास जो रिक्शा था उसमें मोटर लगी हुई थी। ये भी इंडिया का एक जुगाड़ ही है। सामान ढोने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए कोई भी मोटर शॉप से एक छोटी सी मोटर आप रिक्शा में लगा के उसको मोटराइज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्पफुल क्लू साबित हुआ पुलिस के लिए, क्योंकि जल्दी ही उनको ये रिक्शा मिल गया और वहीं से उसने झा को पकड़ा। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो ना ही वो घबराया ना ही वो डरा, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट। उसने सुरेंद्र सिंह से कहा कि आप मुझे मारना नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे मारोगे नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसकी बातों से पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा नाराज है कि बचपन में उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा। गांव से 1990s में वो दिल्ली आ गया और मंडी में रिक्शा चलाने लगा। यहीं उसके अगेंस्ट किसी के कहने पे पुलिस ने उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दी। उसने कहा कि ये झूठा केस था और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस कंप्लेंट करने वाले बंदे को मार देगा। सबसे पहला मर्डर शायद उसने उसी का किया और झा ने पुलिस को सारी डिटेल्स बता दी सभी मर्डर्स की। फाइनली 2013 में झा को 2 केसेस में फांसी की सजा यानी डेथ सेंटेंसेस और एक में लाइफ इंप्रिजनमेंट अंटिल डेथ की सजा मिली। लेकिन फिर 2016 में उसके डेथ सेंटेंसेस को भी लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। तो अगस्त 2023 में उसे 90 डेज के पैरोल पे भी छोड़ा गया। पता है इस पैरोल रिक्वेस्ट में पैरोल का रीजन क्या लिखा था? उसे अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढना था। और ये बता दूं कि जितना भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, रिसर्च बेस्ड है। और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है चंद्रकांत झा पे 2022 में, जिसका नाम है इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।